प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के जिला पार्षदों की शपथ के साथ ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर दावों प्रति दावों का दौर शुरू हो गया है। जिला परिषद का शपथ ग्रहण समारोह जिला परिषद सभागार धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें जिला पार्षदों को जहां डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने प्रमाण पत्र वितरित किए, वहीं सभी जिला पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह उपरांत वन मंत्री राकेश पठानिया और कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया भी जिला परिषद परिसर में पहुंचे हुए थे। दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से जिला परिषद में परचम लहराने को तैयार है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों पर भाजपा का कब्जा होगा। जब निर्दलीय बाहर आएंगे तो हमारे पास 35 का आंकड़ा होगा, ये मेरा दावा है। 9 निर्दलीय जो जीते हैं उनमें से 7 भाजपा के साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। भाजपा जिला कांगड़ा जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत के साथ सशक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाएंगे। भाजपा पूरी तरह तैयार है, परचम लहराएगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों भाजपा का बनेगा, ये मेरा बड़ा क्लियर दावा है और मुझे पूरी जो है बहुमत जो है भाजपा के साथ है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया। कितने जो जिला परिषद सर भाजपा के साथ है? जब गिनती होके बाहर आएंगे तो 35 से ऊपर होंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर कुछ निर्दलीय भी जो बीजेपी से रुष्ट होके लड़े थे वो भी जीत कर आए, उनके बारे में क्या कहेंगे? सब साथ है, पूरा परिवार एक साथ है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। बलदेव जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, सारा परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है, कोई ऐसा वो नहीं है। जो अखबारें लिख रही हैं नॉन निर्दलीय, उनमें से क्लियर कट 7 भाजपा के लोग हैं और भाजपा के साथ खड़े हैं, सबके सब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हम अच्छे बहुमत के साथ कांगड़ा जिला परिषद में एक स्पष्ट बहुमत के साथ एक अच्छा सशक्त अध्यक्ष और सशक्त उपाध्यक्ष और पूरी टीम को बनाने वाले हैं। क्या रणनीति सर अगली आपकी रहने वाली है? आने वाले दिनों में पता चल जाएगा आपको, मैं आज तो नहीं बोल पाऊंगा पर बहुत जल्द आपको इसके परिणाम मिलेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कांग्रेस प्रदेश महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि निश्चित तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कांग्रेस के ही बनेंगे, लोगों की भावनाएं कांग्रेस के साथ हैं, हमारे भी जिला पार्षद जीत कर आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हमारे ही बनेंगे। हमारा आंकड़ा समर्थन का है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने वाली है, बहुमत हमारे साथ है। अब जल्दी ही हमारी आज शपथ हुई है, हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की जल्दी ही बैठक होने वाली है, उस बैठक में हमारा जो आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा समर्थन के बराबर का आंकड़ा है, उस बैठक में हम तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता वो बैठे हैं और ये मैं आपको उस दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला चुनाव जो होगा उसमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांगड़ा जिला को जिला परिषद का मिलेगा। कितने जो जिला परिषद है वो इस वक्त आपके साथ? मेजोरिटी हमारे साथ है, मेजोरिटी जिला परिषद में ये नहीं कहूँगा, मेजोरिटी पंचायतों में भी है, ब्लॉक समितियों में भी है, नगर पंचायतों में भी है। हाथ कांगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 8 जो नगर पंचायतें थी 6 हम जीते हैं, पंचायतों और ऊपर अपने ब्लॉक समितियों में सब जगह हम जीत के, और जिला परिषद में लोगों का जो सेंटीमेंट है उससे साफ जाहिर होता है कि जिला कांगड़ा जो है कांग्रेस समर्पित जो है वो जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। मैं मीडिया का और जिला प्रशासन का ये बहुत बड़ा पंचायती राज का महायज्ञ था जहाँ कांगड़ा की जनता का, वहाँ मीडिया का और स्थानीय प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि शांति प्रिय तरीके से ये पंचायती राज का जो 3-tier सिस्टम है हमें उसका ये यज्ञ जो है वो समापन हुआ है और ये तय है जो सेंटीमेंट है कांगड़ा के लोगों के पीपल के वो कांग्रेस समर्पित जो है जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो निर्दलीय चुनकर आए हैं वही इस बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष तय करेंगे, आप कितने निर्दलीयों को जो है अपना मानते हैं? मैं कहूँगा कि अभी बैठक हो रही है, मैं बिना उसके तथ्यों पे नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन निर्दलीय भी संपर्क में है और हमारा तय है कि जो मैं कहता हूँ जो ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ, आप भी जानते हैं, आपने अखबारों ने छापा है, जो ऑफिशियल कैंडिडेटों के खिलाफ जीत के आए हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट सत्ताधारी पक्ष के थे, अगर वहाँ से वो जीत के आए हैं तो उनको भी देखना चाहिए, उनका सेंटीमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ है और हमारा पूर्ण भरोसा है कि वो लोग भी जब लोगों ने वोट उनको इंडिपेंडेंट के रूप में डाला है तो उन्होंने किसी पार्टी को सत्ताधारी को नहीं डाला है, ये पूर्ण तय है कि जिला कांगड़ा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनेगा। लेकिन पठानिया जी जो निर्दलीय वो सीधे तौर से कहीं ना कहीं भाजपा विचारधारा से जुड़े हैं और अभी अभी जो वन मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि निर्दलीय उनके साथ है। भैया ये तो उनका दावा है, हम तो कांगड़ा के लोगों का सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, जो जिला कांगड़ा के लोग चाहते हैं वो साफ जाहिर हुआ है, अपने इंदौरा से लेकर और वायनाड तक वो सेंटीमेंट जो है जिला कांगड़ा की जनता, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब सामने आ जाएगा। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि आज जिला परिषद
सदस्यों को शपथ दिलवाई गई है। 7 दिन के भीतर चुनाव करवाने होते हैं और 5 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है। आज शाम तक ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि डिसाइड करके नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को बताया जाएगा तथा आने वाले समय में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए जाएंगे। 23 तारीख को जो हमारी काउंटिंग कंक्लूड हुई थी उसके उपरांत एक नई जिला परिषद चुनकर आई है। 54 मेंबरान की ये जिला परिषद है और आज सभी को शपथ दिलाया गया है और आज शाम तक ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि विद इन 7 डेज हमें कराने हैं और 5 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है, तो जो डेट है वो आज डिसाइड की जाएगी और हमारे जो नव निर्वाचित वार्ड मेंबर्स हैं उनको कन्वे किया जाएगा और फिर आने वाले समय में जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन उनका जो चुनाव है वो किया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिला कांगड़ा की जनता का, जिन्होंने कि मैं कहता हूं कांग्रेस समर्पित हमारे जिला पार्षदों को और सभी जिला पार्षदों को मैं पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने आज 54 पार्षदों ने जो है आज शपथ ली है। वो कांगड़ा के भविष्य के लिए काम करेंगे, वो पंचायती राज में एक बहुत बड़ा जिला परिषद का योगदान है, उसके लिए काम करेंगे। और धन्यवाद करना चाहते हैं कांगड़ा की जनता का, जिन्होंने कांग्रेस समर्पित इतने भारी बहुमत से नगर पालिकाएँ, प्रधान, उपप्रधान, ब्लॉक समितियाँ और आज जिला परिषद की जो थी। तो हमारा दावा कि आने वाले समय में जैसे ही डेट तय होगी और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत में आई है, देखना जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कांगड़ा के लोगों के सेंटीमेंट है, जो कांगड़ा के लोगों के। नमस्कार सर, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह पंकु है और मैं भटियाड़ा वार्ड नंबर 8 से जीत कर आया हूँ। मैं तो पहले धन्यवाद करता हूँ अपने वार्ड क्षेत्र में आने वाली पंचायतों की तमाम जनता का, जिन्होंने मुझे वोट देकर, सपोर्ट देकर यहाँ पे आज पहुँचाया है और सब जो हुई है। उसके बाद रही बात चेयरमैन और उपाध्यक्ष की, तो उसकी दौड़ में सभी अपन अपना प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी प्रयास किया जाएगा और सरकार जैसे कहेंगी वैसे हम सरकार के साथ चलेंगे। आप जो है जैसे निर्दलीय जीत के आए हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है निर्दलियों पर अपना दावा पेश कर रही है, आप किसके साथ जाने वाले हैं? सर, मैं बीजेपी समर्थक हूं, किंतु जिसमें मेरे चुनाव हुए उसमें मुझे सरकार की तरफ से ना तो सहयोग मिला है और ना ही किसी प्रकार की सहायता हुई है, किंतु मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का, उन वर्करों का और कुछ ऐसे साथी भी है जो राजनीतिक परिवार से संबंधित थे किंतु उन्होंने मेरी सहायता की है, उनका मैं सदैव आभारी रहूँगा। वैसे हम बीजेपी समर्थक हैं तो जिस प्रकार सरकार कहेंगे उसी प्रकार हम सरकार के साथ कंधे मिलाकर चलेंगे।